एवरेज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। किसी नए व्यक्ति को समूह में शामिल करने से औसत में कमी हो जाती है तो नया व्यक्ति औसत से कम होता है, अर्थात नया व्यक्ति इज इक्वल टू औसत माइनस एक्स, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। तो और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और इस कॉन्सेप्ट में केवल वन लाइन में आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग मिस मत करना और सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एवरेज के और भी क्वेश्चंस और भी हम कॉन्सेप्ट इसके करा चुके हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो 10 साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर इन सारी वीडियोज़ को देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 9 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 55 केजी है। एक नए व्यक्ति को शामिल करने से पूरे समूह के औसत भार में 500 ग्राम की कमी आ जाती है, तो नए व्यक्ति का भार क्या है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है, हम सिंगल लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, नया व्यक्ति इज इक्वल टू औसत माइनस एक्स, राइट। तो नया व्यक्ति का भार हमें निकालना है, तो औसत हमें कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है हमें 55। अब हम माइनस कर देंगे, कह रहा है कि एक नए व्यक्ति को शामिल करने से, एक नया व्यक्ति को शामिल करा, टोटल व्यक्ति हमारे 9 है, एक शामिल हमने कर दिया तो कितने हो गए, 10 हो गए, राइट। कह रहा है इतने ग्राम की कमी, औसत भार में इतने भारी कमी हो जाती है, तो सभी के में होगी इतने की कमी, तो 500 ग्राम को हम लिख सकते हैं आधा किलो, हाफ केजी, राइट। ये 55 केजी है, इसको केजी में बदलने के लिए हमने हाफ केजी लिख लिया, 2 से काट दिया, 2 × 5 = 10, यानी कि 55 केजी माइनस 5 केजी कितना बचा, 50 केजी, राइट। तो नए व्यक्ति का भार हमारा कितना आ गया, 50 केजी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, यदि 7वां प्रेक्षण शामिल कर लिया जाए और औसत में 1 की कमी हो जाती है तो 7वें प्रेक्षण का मान क्या है? तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है, हम निकालेंगे 7वां प्रेक्षण, राइट। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है औसत में क्या हो रही है, कमी हो रही है, 7वां प्रेक्षण शामिल कर लिया जाए तो औसत में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, औसत माइनस एक्स, राइट। तो औसत हमारा कितना दिया हुआ है, 6 प्रेक्षणों का औसत दिया हुआ है हमारा 12, कमी हो रही है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, राइट। कह रहा है यदि 7वां प्रेक्षण शामिल कर लिया, 6 प्रेक्षण है, 7वां हमने शामिल कर लिया तो क्या हो गए, 7 हो गए, एक और शामिल कर लिया, 7 हो गए, 6 और 1 = 7, कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो हम 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 7वें प्रेक्षण का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट। कह रहा है 6 प्रेक्षणों का औसत 12 दिया गया है, तो कह रहा है यदि 7वां प्रेक्षण शामिल कर लिया जाए, यानी कि एक और जो 6 के बाद जो 7वां प्रेक्षण है वो हम शामिल कर लें, तो 1 की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है औसत में, तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, राइट। और ये कह रहा है कि 7वां प्रेक्षण शामिल कर लिया जाए, 6 है और 7वां औसत, यानी कि 1 शामिल कर लिया जाए, तो 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए, और प्रत्येक सबके औसत में कितनी कमी हो रही है, 1 की, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 7वें प्रेक्षण का मान 5, यानी कि ऑप्शन 3rd इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है, यदि 12वें खिलाड़ी को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 4 माह की कमी हो जाती है, तो 12वें खिलाड़ी की आयु क्या है? तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम अपनी ट्रिक से ही करेंगे, और वो ट्रिक है हमारी, इस बड़े से क्वेश्चन को हम जस्ट अ सिंगल लाइन क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो 12वां खिलाड़ी की आयु हमें निकालनी है, 12वां खिलाड़ी, राइट। तो क्या है ट्रिक हमारी, औसत कमी हो रही है तो औसत में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे एक्स जो भी है, राइट।
तो औसत हमारा कितना दिया हुआ है, हम बस औसत देखेंगे। औसत दिया है 11 खिलाड़ियों का 23, तो टोटल औसत है हमारा 23। कह रहा है यदि 12वें खिलाड़ी को शामिल कर लिया जाए, यानी कि टोटल 11 खिलाड़ी हैं और एक को हम शामिल कर लें तो कितने हो गए, 12 हो गए। कह रहा है तो औसत में 4 माह की कमी हो रही है, कमी हो रही है तो हम किसका साइन लगाएंगे, माइनस का, राइट। और कह रहा है कि यदि 12वां खिलाड़ी शामिल कर लिया जाए तो 11 है ही और एक और शामिल कर लें तो कितने हो गए, 12 हो गए। तो कितने की कमी हो रही है, 4 माह की कमी हो रही है। तो माह है और यहाँ वर्ष है तो हम माह को वर्ष में बदलेंगे, तो 4 माह, तो 4 माह को हम वर्ष में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, राइट। तो हम लिख देंगे क्रॉस 4y 12, राइट। यहाँ पर वर्ष दिए होते तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, माह दिया है, तो माह को हम वर्ष में बदलेंगे। तो माह को वर्ष में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 12 से भाग करना होता है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि 23 माइनस 4 यानी कि 19 वर्ष, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 36 व्यक्तियों की औसत उम्र 35 वर्ष है, उनमें से एक व्यक्ति के बाहर चले जाने पर औसत उम्र में 1/7 वर्ष की कमी हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है, हम इस क्वेश्चन को सिंगल लाइन में सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे जाने वाले की उम्र, जाने वाले की उम्र हमें निकालनी है, तो इसकी ट्रिक क्या है, हम लिखेंगे टोटल औसत। टोटल औसत हमें कितना दिया है, 36 व्यक्तियों का 35 वर्ष, राइट। कह रहा है कि एक व्यक्ति के बाहर चले जाने से, एक व्यक्ति बाहर चला गया तो औसत उम्र में 1/7 वर्ष की कमी हो जाती है। कमी के लिए हम किसका साइन लगाते हैं, माइनस का। कह रहा है कि 36 व्यक्ति हैं, उसमें से एक व्यक्ति चला गया तो कितने बचे, 36 में से हम एक घटा दें तो कितने वर्ष की कमी हो जाती है, वर्ष ही है यहाँ पर, तो 1/7 वर्ष की कमी हो जाती है। तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा 35, 36 में से एक गया, 35 बटे 1 × 1/7, 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, तो बचा हमारे पास 35 माइनस का 5 बन जा 5, यानी कि 30। यानी कि ऑप्शन, क्वेश्चन है 36 व्यक्तियों की औसत उम्र 35 वर्ष है, उनमें से एक व्यक्ति के बाहर चले जाने पर औसत उम्र में 1/7 वर्ष की कमी हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है। तो हमें निकालनी है जाने वाले व्यक्ति की उम्र, जाने वाले व्यक्ति की उम्र। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल औसत। टोटल औसत हमारा क्या है, 35 है, राइट। अब समूह से एक व्यक्ति बाहर जा रहा है और औसत उम्र में 1/7 वर्ष की कमी हो रही है, तो ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या रहा है, जब कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है और औसत में कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट। तो एक व्यक्ति बाहर जा रहा है, टोटल है 36 और एक की कमी हो रही है, तो 36 माइनस 1, और सबकी टोटल में, टोटल के औसत में कितने की कमी हो रही है, 1/7, तो 1/7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 35 प्लस 35 क्रॉस 1y 7, 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 5 यानी कि 40 वर्ष, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।